हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट। तो क्या जा रहा है? एब्सोल्युटली फाइन, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, न्यू इन्फॉर्मेशन है कि सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की क्वालिफाइड लिस्ट अपलोड हो गई है। अब इसका क्या मतलब है? देखो, क्वालिफाई का मतलब है कि जिन बच्चों ने एग्जाम को पास कर लिया है, मैं फिर बोल रहा हूँ, जिन बच्चों ने एग्जाम को पास कर लिया है। एक होता है कि बच्चा फेल हो गया, एक है कि बच्चा पास हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ पास और फेल का डिफरेंस है। अब उनका कुछ क्राइटेरिया रहता है ना कि 40% मार्क्स होने चाहिए ओवरऑल, जैसे आपके स्कूल के एग्जाम होते हैं। जैसे आपको बोला जाएगा कि भाई 10 नंबर का आपका पेपर हो रहा है, ठीक है, इसमें से जिसके मान लो कि जिसके 5 नंबर आए उसे पास माना जाएगा और जिसके 3 नंबर आए उसे फेल माना जाएगा, ठीक है। तो 5 से कम जिनके भी नंबर है वो सारे फेल है, मतलब 5 से नीचे जिनके भी नंबर है वो सारे क्या है, फेल है। इस तरीके से सेम आपका यहाँ पे रहेगा कि जो क्राइटेरिया है आपके सामने लिखा आएगा, जिनके नाम क्वालिफाइड लिस्ट में है तो वो क्वालिफाई हो चुके हैं। अब आगे जो काउंसलिंग होनी है, उनमें सिर्फ क्वालिफाइड स्टूडेंट ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जो पास होंगे उनमें से ही अब सेलेक्शन होगा ना, और जिसके जितने ज़्यादा नंबर होंगे, जिसके जितने ज़्यादा मार्क्स होंगे उसका पहले सेलेक्शन होगा, फिर धीरे धीरे नीचे आते जाएंगे, है ना। कम मार्क्स वालों का अगर सीट्स बची होंगी तो फिर उनका भी होगा, अगर सीट्स बची नहीं होंगी तो नीचे नीचे आते जाएंगे, कम मार्क्स वालों का भी फिर सेलेक्शन नहीं होगा। समझ रहे हो बात को? तो वो सारा हम काउंसलिंग में समझेंगे, वो पूरा प्रोसेस। फिलहाल के लिए यही था कि आपका जो क्वालिफाइड लिस्ट है वो अपलोड हो गई है, आप देख सकते हो उसको भी, ठीक है। और कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी तो बता देना, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, उससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाती है। और अच्छे से आप लोगों का अपना चेक कर लो, बिल्कुल केयरफुली, आप अफरा तफरी मत मचाओ, आराम से करो, सब कुछ आपके कंट्रोल में है, ठीक है। देखने के लिए जो भी आपका, ओके, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी, ओके गाइस।